राष्ट्रीय हमारे जो नेता है, आदरणीय खड़गे साहब है, सोनिया जी है, राहुल जी है, केसी वेणुगोपाल जी है, और हमारे प्रदेश लेवल के जो लीडर है, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी है, आदरणीय गहलोत साहब है, सीपी साहब है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ये इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे पर विश्वास करके हमारे सभी नेताओं के सहयोग से मुझे पार्टी का प्रत्याशी बना है, और आज हमने नामांकन क्या भरा मुद्दे है। रहेंगे, किन मतलब मुद्दों पे किन आप मुद्दों के आधार पर आप? मुद्दे तो रहेंगे, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय गहलोत साहब ने इतने जनकल्याणकारी योजनाएं लाए थे, तो सारी योजनाएं 10 महीने हो गए हैं बीजेपी सरकार के आने से, उसके बाद वो सारी योजनाएं बंद कर दी है, जो चिरंजीवी योजना थी, बिजली के बिल है, सबके ये पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा योजना है, इसमें ये लंबे सारी। समय से आप मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं थी, इस बीच मैं जनता के बीच में जाएंगे कैसे? तो शुरू से जुड़ी है, 2005 से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में है, 10 से 15 तक प्रधान रही, उसके बाद पीएस मेंबर भी हूँ मैं, अभी सरड़ा में 15 साल में प्रधान और पीएस मेंबर, 5 साल 15 साल लेकिन बाद आपने में। कांग्रेस के साथ बगावत करी थी, बगावत होने के बाद वापस आई है, तो क्या कांग्रेस वाले आपका पूरा सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? बगावत तो नहीं, वो एक पार्टी से थोड़ी उम्मीद थी कि पार्टी टिकट मिलेगा, उस हिसाब से फार्म एक पार्टी से भरा था, नहीं तो निर्दलीय भरा था, तो फिर अब निर्दलीय रह गया था और पार्टी का तो खारिज हो गया था, तो फिर मैंने ज्यादा कोई प्रचार वचार नहीं किया, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की कि कांग्रेस को वोट मत देना, कर दिया। सामने बीएपी पार्टी कैसे निपटोगे, क्या रणनीति रहेगी? तो सब हमारी पूरी टीम है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल पर हमारे पास सारे पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जो हमारे आदरणीय हमारे रघु जी मीणा है, बसंत देवी जी है, सब मिल गए। लेकिन रघुवीर मीणा लगातार नाराजगी जाहिर कर नहीं, रहे हैं और लोगों के वो बीच में जा रहे हैं कि एक जाजम पे कैसे लाओगे वापस, इस्तीफे भी वो दिए तो मंदिर से। सब आ जाएंगे, इस्तीफे तो खाली नाम मात्र के, थोड़ी वो किया है, एक दो दिन थोड़ा गर्माहट रहती है, उसके बाद सारा नॉर्मल। प्रयास रहेंगे हमारे तरफ से सारे प्रयास है, सभी के जो प्रत्याशी है, हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष जिसने सुना है, अभी तो अपने पास नहीं पता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर ये जो व्हाट्सएप पे से चल रहा है, सबने इस्तीफा दिया, तो सबके पास जाएंगे और उनको वापस मनाएंगे और पार्टी से काम करने का करवाने का पूरा हमारे गहलोत सरकार ने जिला घोषित किया था, अगर आज आप विजेता हो जाते हैं तो क्या करेंगे, रहेगा या जाने देंगे? हमारे गहलोत साहब ने जिला घोषित किया, कुछ समझ के ही जिला घोषित किया था, पर वापस सरकार चेंज होने के बाद बीजेपी सरकार आई, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो मेरा प्रयास रहेगा, जनता मुझे विजय बनाती है, जिताती है और विधानसभा भेजती है, तो मैं पूरी पैरवी करूंगी और ये जिला यथावत रहने का रखने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है।